नमस्कार दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं भरवा शिमला मिर्च की सब्जी। भरवा बैंगन तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान सी रेसिपी भरवा शिमला मिर्च बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मसाला बना के रेडी करेंगे। मसाले के लिए हमने यहाँ पे लिया है मूंगफली का पाउडर। मूंगफली को मैंने भून लिया था और फिर उसको मिक्सी से पीस लिया है, लेकिन पीसते टाइम हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ये मूंगफली का पाउडर है। तो लगभग मैंने 3 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर लिया है। उसमें हम डालेंगे 2-3 चुटकी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो मैं 3 टेबलस्पून डालूंगी, क्योंकि ये जो सब्जी है ये थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। उसके बाद हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। बस इतने ही चीज़ें हमें मसाले में लगेंगी। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका मसाला रेडी करेंगे। तो हाथों की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए। ये जो मसाला है हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, तो इस तरीके से गाढ़ा मसाला हमने बना के रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी धो लिया है। तो ये जो शिमला मिर्च है ये 250 ग्राम शिमला मिर्च है। तो जो बड़ी वाली शिमला मिर्च होती है वो वाली ये शिमला मिर्च है। तो अब हम इसको कट करेंगे शिमला मिर्च को। आप चाहो तो बिना कट किए भी इसमें मसाला भर सकते हो। जो डंठल होता है उसको निकाल के उसमें मसाला भर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से कट करके इसके अंदर जो बीज होता है वो निकाल दूँगी। तो चलिए सारे जो शिमला मिर्च है उसको कट लगा के उसके अंदर का बीज जो होता है वो निकाल देंगे। आप चाहो तो इस तरीके से बैंगन जिस तरीके से हम कट करते हैं उस तरीके से भी कट कर सकते हो। इस तरीके से बहुत ही आसानी होगी जो अंदर बीज होता है वो निकालने में। ये जो सब्जी है ये बहुत ही झटपट बन के रेडी होने वाली सब्जी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जो बीज है बहुत ही आसानी से निकल चुके हैं। तो सारे शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया है और अंदर जो भी बीज था वो निकाल दिया है। तो अब हम इसमें भरेंगे ये जो मसाला हमने रेडी किया है वो मसाला। तो बस हाथों की हेल्प से इस तरीके से भरेंगे मसाला और फिर से उसको पैक कर देंगे। तो सारी शिमला मिर्च में मैंने मसाला भर के रेडी कर लिया है। तो थोड़ा सा जो ये जो मसाला है वो भी बच चुका है, तो उसमें भी हम पानी डालेंगे। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा मसाला जो होता है वो बचा के रखें। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया था। ऑयल गर्म होने के बाद हमने डाल दिया है 1/2 चम्मच जीरा। तो जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। जीरा तड़कने के बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन की कुटा हुआ लहसुन। लहसुन की कलियाँ जो थी वो 20-25 थी, क्योंकि इस सब्जी में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, तो इसलिए मैंने 20-25 लहसुन की कलियाँ ली थी और उसको कूट लिया था। उसके बाद हमने डाल दिया है कड़ी पत्ता और अब हम डालेंगे हींग। लगभग 2 चुटकी हींग डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। पहले भी हमने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है मसाले में, इसलिए हमने 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है। तो अच्छे से सारी चीज़ें मसाले में भूनने के बाद हमने यहाँ पे डाल दी है शिमला मिर्च को और लगातार चलाते हुए हमें 2 मिनट इसको इस तरीके से पकाना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से शिमला मिर्च जो है ये ऑयल में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाले का पानी बना के रखा है उस पानी को। तो ऐसा पानी होना बहुत ज़रूरी है, तो याद रखना है मसाला थोड़ा सा बचा के ही रखना है। तो मसाले का जो पानी था वो मैंने डाल दिया है। तो अब हम इस शिमला मिर्च को अच्छे से पका लेंगे। तो ढक्कन रख के हमें बीच बीच में चलाते हुए 2-3 मिनट पका लिया है। और यहाँ पे ये जो शिमला मिर्च है
ये हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हमें इस शिमला मिर्च को नहीं पकाना है, हल्की सी ये क्रंची होनी चाहिए। तो हल्की सी ये क्रंची है तो अब हम गैस बंद करेंगे और प्लेट में हमने मसा जो शिमला मिर्च है वो निकाल दी है। जरूर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं।